हेलो क्लास, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर टू पॉलीनोमियल में आपको मेथड सिखाया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर पॉलीनोमियल। तो आज हम उसी को रिवाइज करेंगे। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर पॉलीनोमियल। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेशन प्लस रिमाइंडर। आपको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपको पता ही है, डिविडेंड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू क्वेशन इनटू रिमाइंडर बाय डिविडेंड डिवाइजर। ओके, तो इस फॉर्म को आपको याद होना चाहिए, इस फॉर्म में, बेसिकली इस फॉर्म में, ठीक है, ताकि आपको अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो, लाइक अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपके पास डिविडेंड है, क्वेश्चन है, रिमाइंडर है, अगर आपको डिवाइजर निकालना है तो आपको पता है कि किस फॉर्म से निकालना है। आपने डिविडेंड को अपनी जगह रखना है, रिमाइंडर यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, और उसको क्वेश्चन से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिवाइजर। आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। पर सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। जैसे मैं आप एक आपके बुक की एक इक्वेशन लेती हूँ, एग्जांपल 7 की। ओके, यहाँ पे आपका डिविडेंड है 3x³ + x² + 2x + 5, और आपका डिवाइजर है x² + 2x + 1। आपको डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया ही था। व्हाट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद फर्स्ट डिजिट ऑफ डिवाइजर, कि आपकी फर्स्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड आए और उसके बाद आप उसको काट सकें, बिल्कुल इक्वल आ जाए, सेम डिजिट आनी चाहिए ताकि हम उसको जब चेंज करें तो आपका वो कट जाए। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, प्लस है तो प्लस का। अब जैसे यहाँ पे x² है, आपको 3x³ चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, इक्वल करने के लिए फर्स्ट डिजिट को 3x, राइट। तो आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आया, 3x³। 3x × 2x प्लस का 2x है तो प्लस 6x². 3x × 1 प्लस 3x। याद रखना x² वाली टर्म x² में, x वाली x में, जहाँ पे अगर वो x² या x नहीं होगा तो वहाँ पे बीच में 0 लगा देंगे या स्पेस छोड़ देंगे। माइनस माइनस माइनस, पहली डिजिट आपकी हमेशा कटनी चाहिए। -6x² + x² = -5x² -1x + 5 as it is। आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका -5x² है, आपको पता है x² तो x² ही है, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, -5 से, ताकि आपके डिजिट क्या है, -5x², तो आपने मल्टीप्लाई किया -5x², 5 × + 2x -10x, -5 × + 1 -5। अब जब आप डिजिट चेंज करेंगे, +10x - x = 9x और +10। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ये आपका है रिमाइंडर, ये आपका है क्वेश्चन, और डिविडेंड डिवाइजर आपको सबको पता है। अगर मैं आपको आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन की फॉर्म में डालूं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो आप अगर इसमें डालेंगे तो डिविडेंड आपको क्या था, 3x³ + x² + 2x + 5, राइट। अब डिवाइजर आपका क्या है, x² + 2x + 1। ओके, अब इनटू में क्वेश्चन आपका क्या आया, 3x - 5 प्लस रिमाइंडर 9x + 10। अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं इस इक्वेशन को, आपकी डायरेक्ट आपकी आ जाएगी, ये तो सबको पता है, तभी तो ये इक्वल है। अब आपको एक तरह का और क्वेश्चन आता है, लाइक एग्जांपल 9 आप देखेंगे कि आपका एग्जांपल 7 था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे। ओके, अब एग्जांपल 9 आपका क्या कहता है, एग्जाम्पल 9 अगर आप पढ़ेंगे तो आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन, फाइंड ऑल द जीरोज़, आपको पता है
आपको बताया था, जिसमें वो इक्वेशन की एक्स की वो वैल्यू जिसमें इक्वेशन में पुट करने पे आपका आंसर आए जीरो, राइट, पी एक्स की वैल्यू आए जीरो। तो फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ जो भी आपको इक्वेशन दे रखी होगी। इफ़ यू नो दैट टू जीरोज आर दिस, आपको दो जीरोज दे रखे होंगे और आपको और जीरोज निकालने की इक्वेशन में अगर और जीरोज निकल सके। आपको मैंने बताया था कि जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स इन द इक्वेशन। अगर आपकी हाईएस्ट पावर थ्री है तो आपकी वैल्यूज निकलेंगी तीन, अगर आपकी हाईएस्ट पावर है फोर तो आपकी एक्स की कितनी वैल्यू निकलेंगी, नंबर ऑफ जीरोज विल बी फोर, राइट। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन में आपको दो जीरोज दे रखे हैं, टू जीरोज आर गिवन, दैट इज एक्स इज इक्वल टू रूट टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ओके। जब आपके पास, आपको पता है कि ये इक्वेशन होती है तो आपके फैक्टर्स ये निकलती कैसे है, आपको होता है ना इधर दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो अगर मैं आपका ये चीज़ करूँ इज इक्वल टू रूट टू इज इक्वल टू माइनस रूट टू, तो हमारे फैक्टर क्या निकल के आए होंगे, एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, हमने ऑपोजिट कर लिया, राइट। तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए। दो फैक्टर्स का क्या मतलब है, दो फैक्टर्स का मतलब ये है कि अगर मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करूँ या इसकी वैल्यू पुट करूँ तो हमारा जो आंसर होगा पॉलिनोमियल का वो आएगा जीरो। आप पुट करके भी देख सकते हैं, हालांकि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बुक में अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि दैट दिस इज द फैक्टर तो फैक्टर ही होगा। सेकेंड, एक तो ये चीज़ आएगी कि ये आप इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स वैल्यू रूट टू और माइनस टू तो आपका आंसर आएगा जीरो। प्लस अगर मैंने जैसे ये फैक्टर्स निकाला कि पूरी इक्वेशन निकाल दी एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, वट डज इट मीन कि अगर आप एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू को इससे डिवाइड करेंगे, अगर आप इनसे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, ओके। तो अगर आपको मैं ये कहूँ कि अगर ये दोनों फैक्टर हैं, जैसे कि अभी आपने देखा x प्लस रूट टू और एक्स माइनस रूट टू, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपकी अभी इक्वेशन निकली थी टू, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था टू एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि x, हम जब फैक्टर करते हैं तो सब कुछ वो सारे फैक्टर मल्टीप्लाई में आते हैं, राइट। तो हमने ये फैक्टर लिख दिया प्लस इसमें कुछ होगा, मान लो कुछ भी है पी एक्स लगा लो, कोई भी और पॉलिनोमियल है, प्लस रिमाइंडर क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमारे जो ये फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या, रिमाइंडर जीरो, राइट। तो अगर मैं आप ये करूँ कि हमें तो ये चीज़ निकालनी है और फैक्टर्स निकालना है, अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। अब ये बताओ, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप रीजन लिख सकते हैं, और इनटू में पी एक्स आई और रिमाइंडर जीरो तो उसको जीरो रहने देंगे। ये मैंने इसको वापस से लिख दिया कि ये हमारा डिविडेंड है, ये एज इट इज लिख दिया। अब हमें ये पी एक्स निकालना है तो हम कैसे करेंगे, हम इस डिविडेंड से जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको ये जो मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि अगर हम ये जो फैक्टर्स से, जो भी हमारे फैक्टर्स आया उससे अगर हम डिविडेंड को डिवाइड करें तो हमारे पास एक और पॉलिनोमियल आ जाएगा और उसके अंदर ही इस डिविडेंड के और भी फैक्टर्स होंगे और उन फैक्टर्स के साथ हम जीरो की वैल्यू, जीरोज ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, राइट। तो अब हमने क्या करना है, फिर से लॉन्ग डिविजन मेथड, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और हमने इसको डिवाइड करना है x स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, राइट। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट डिजिट को, जो फर्स्ट डिजिट सेम आ जाए 2x स्क्वायर से, आपकी वैल्यू आ गई 2x की पावर 4 माइनस, अब यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर आपका आएगा माइनस 4x स्क्वायर, और ये हमारी टर्म है x क्यूब की, तो हम इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे हम इसको स्पेस छोड़ेंगे और लिखेंगे इसके नीचे माइनस 4x स्क्वायर, साइंस का ध्यान रखना, ध्यान से पहली डिजिट आपके हमेशा कैंसिल हो जानी चाहिए, तो ये हो गई, ये एज इट इज़ आ गया माइनस 3x क्यूब, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2।
आप किससे मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर को, जो आपका 3x³ आ जाए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे -3x से, तो आपका आंसर आ गया। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको डिवाइड, इससे डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर जीरो आएगा। सो अगर आपका आंसर रिमाइंडर में जीरो नहीं आ रहा है ये जानने के बाद कि ये फैक्टर है, तो दैट मीन्स आपको क्वेश्चन कहीं गलत जा रहा है। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे -3x³, अब -2 × -3x यानी कि प्लस का 6x, इसके नीचे नहीं आएगा, किसके नीचे आएगा, इसके नीचे, ओके। प्लस माइनस, ये भी कट, ये भी कट, आपका आंसर आया x² - 2 एज इट इज है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, x² - 2, दैट्स इट, आपका रिमाइंडर 0 जो हमें रिक्वायर्ड था। अब एक जो क्वेश्चन आपका है, यानी कि जो फैक्टर है, जो ये पी एक्स है, देयर फोर पी एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x + 1। अब आपको इसको फैक्टर करना आता ही है स्प्लिटिंग मेथड से, यानी कि मल्टीप्लाई करके आपका प्लस 2 आए, और वो तो आपका 2 और 1 ही है, तो 2x² - 2x - x + 1, 2x कॉमन, x - 1, तो आपका क्या क्या फैक्टर है, 2x - 1 एंड x - 1। अब अगर इसके ये फैक्टर्स हैं तो आप क्या सकते हो, अब अगर x की वैल्यूज निकालनी है, यानी कि जीरोज निकालनी है, जीरो तो आप पुट करके निकालोगे, तो x = 1/2 और x = 1, सो देयर फोर अदर जीरोज ऑफ x या फिर फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन आर 1/2 एंड 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज के खुद ट्राई करने हैं, आज के लिए इतना ही। और ये क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड भी, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएगा, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।